आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह जी। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। राष्ट्रीय लोकदल किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी ओंकार सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल सतर्क हो चुके हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल अपनी अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ और विभिन्न विचारधारा जो लोग हैं, जो हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समान विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ मिल करके एक एक सीट को हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हमारा सवाल जो पहले का था वो आज भी है, कोई नया सवाल नहीं है। किसानों का सवाल है, छात्रों का सवाल है, व्यापारियों का सवाल है, मजदूरों का सवाल, ये सवाल आज भी है। उत्पीड़न के जो सवाल हैं, चाहे छात्र उत्पीड़न हो, नौजवानों का उत्पीड़न हो, महिलाओं का उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, अल्पसंख्यक उत्पीड़न है, वो सवाल भी हम लोगों के सामने हैं। हम लोग विपक्ष में काम करते हैं। विपक्ष का मतलब होता है विरोध पक्ष, विरोध पक्ष मतलब होता है विशेष पक्ष। तो विशेष पक्ष जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको उठाने का काम करेगा, और जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ उनको बताने का काम है कि हमें जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुब्रम स्वामी स्वयं कहते हैं कि जिन सवाल पर सरकार बनी थी जो वो अपने घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रहे हैं, घोषणा पत्र की अनदेखी हो रही है, इसलिए हमें उस पर संघर्ष करते। जब घोषणा पत्र पर काम उन्होंने नहीं किया है तो वादा खिलाफी का काम किया है, और वादा खिलाफी का काम किया है तो जनता उनको वादा खिलाफी की सजा देगी। दूसरा अभी ज्वलंत मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, जो ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा अभी सामने जो दिखाई पड़ रहा है। हम लोग समाजवादी आंदोलन के लोग या आज़ादी के आंदोलन में जो लोग थे, उसके बाद जो 1934 से लेकर 84 तक समाजवादी आंदोलन था, इसमें हम लोग 50 साल में यही कहते रहे, गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, सभी लोगों का सपना था कि छोटा राज्य बने, छोटा प्रशासन हो। और छोटा राज्य उत्तराखंड को आप देख लीजिए, बगल में रुड़की का विकास देख लीजिए, ऊधम सिंह नगर का विकास देख लीजिए, हरिद्वार का विकास देख लीजिए, विकास की किरणें थी वहाँ नहीं पहुँच पाती थी, आज वहाँ डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हमसे उत्तर प्रदेश से अच्छा ग्रोथ उनका हो गया। आपने छोटे प्रदेश की बात कही है, तो फिर क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय लोकदल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरित प्रदेश की मांग को अपनी बनाए रखेगी? देखिए अभी 2017 का जब चुनाव था तो बुंदेलखंड में हम लोग बुंदेलखंड राज्य बनाओ के तहत चुनाव मैदान में हम लोग गए थे, और हम लोगों ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य बनाओ के तहत राज्य बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को वोट दें। चौधरी साहब भी तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, मंत्री थे, लेकिन तेलंगाना के आंदोलन में गए और केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ा उनको, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शुरू से हमारी मांग रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि छोटा राज्य बने, छोटा प्रशासन हो, इसके हम पक्षधर हैं। नहीं बनेगा तभी हम लोग, तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, उनकी विरासत है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी उसमें हमारे बड़े दल के बड़े सहयोगी के रूप में है, उस गठबंधन में एक एक सीट को हम लोग जीतने का काम करेंगे। और अगर किसानों की बात की जाए, वर्तमान में कृषि मुद्दे ज्वलंत मुद्दा हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा किसान, ऐसे में अनेकों किसान आंदोलन ने अनेकों किसान संगठनों को उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, ऐसे में किसान जो देश का अन्नदाता कहा जाता है वो राष्ट्रीय लोकदल से क्यों जुड़े? इसलिए कि चौधरी चरण सिंह शुरू से किसानों के सवाल को लेकर के, जिनकी खेती जब कारपोरेट घराने में बेची जा रही थी और खेती को कारपोरेट करने की कोशिश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस समय नागपुर के सम्मेलन में चौधरी साहब ने कारपोरेट खेती का विरोध किया था। और हम लोग आज़ादी के आंदोलन के बाद से लेकर और आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी अजीत सिंह हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, और ये सभी नेता चौधरी साहब के साथ थे, मुलायम सिंह जी भी रहे हों, लालू प्रसाद यादव रहे हों, बीजू पटनायक हों, नवीन पटनायक हों, या चिमन भाई पटेल हों, रामकिशन, पूरा भारतवर्ष सब चौधरी साहब के नेतृत्व में था, और सारे के सारे नेता जो है किसानों के सवाल पर लड़ाई लड़ते रहे। उस पर हमने जनता दल के रूप में हम लोगों ने काम किया, जनता पार्टी के रूप में हम लोगों ने काम किया, और आगे चल करके भी हम लोग किसानों के सवाल को लेकर, क्योंकि आज किसान परेशान है। आज जयंत चौधरी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष हो गए हैं इस समय, और उन्होंने शुरू से मथुरा से लेकर के और सोनभद्र तक, मऊ में, अभी लखीमपुर में उन्होंने रैली की बड़ी, और किसानों का जहाँ जहाँ आंदोलन था, क्योंकि जन आंदोलनों को हम लोगों ने सहयोग देने का काम किया है, और जन आंदोलन ही राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं, इसलिए किसान आंदोलन हमारी किसानों की समस्या हमारा अहम मुद्दा होगा ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अनेकों किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अनेकों किसानों की मौत भी हो चुकी है इस आंदोलन के माध्यम से, ऐसे में सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए है, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे कि सरकार किसानों की मांगी क्यों नहीं मान रही है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारे पर जब आर्थिक नीतियाँ बनाई जाएंगी तो देश आर्थिक बदहाली की ओर जाएगा।
गांधी जी ने कहा था आज़ादी के आंदोलन में कि हिंदुस्तान की जो जन शक्ति है उसके श्रम शक्ति को आधार मान के स्वदेशी स्वावलंबन को ध्यान रख करके आर्थिक नीतियाँ बनाई जाएँ। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया इसके बाद हम IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर पॉलिसी बनाएंगे तो किसानों की अनदेखी होगी, क्योंकि 1.5 करोड़ अमेरिका में काले लोग हैं, उनको सम्मान की ज़िंदगी अमेरिका नहीं दे रहा है, तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ को सम्मान की ज़िंदगी नहीं दे सकता। और किसानों के जो सवाल हैं, चूँकि वो अपने हित में, चूँकि ये बड़े देश जो धनी देश हैं, ये व्यापारी खोड़ में नीतियाँ बनाते हैं और मनवाने का काम करते हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के हम लोग हिंदुस्तान की जनशक्ति है उसके श्रम शक्ति को ध्यान में रख करके आर्थिक नीतियों को बनाने का काम करेंगे। और जो हमने 90 में किया, चौधरी चरण अजीत सिंह जी मंत्री थे केंद्र में, और उस समय कोई टैक्स नहीं आया था, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपया किसानों का हम लोगों का कर्जा माफ़ था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो रही है। हम उन सवालों जो उनके घोषणा पत्र में था, जो घोषणा पत्र की उन्होंने अनदेखी की है, वो सवाल हैं, किसानों का उत्पीड़न है, दलितों का उत्पीड़न है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न है, वो सवाल हैं, और राजनीतिक अराजकता को लेकर के हम चुनाव मैदान में जाएंगे। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का चुनावी मुद्दा किसानों का उत्पीड़न रहने वाला है। जर्नलिस्ट श्री माली के साथ आशिकीन कुरैशी, GPN 7।